क्या कर रहे हो साहिर? अगर अप्पा ने तुम्हें अभी यहाँ देख लिया ना, कितनी बड़ी आफत आ जाएगी तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जाओ यहाँ से, अभी जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो इफ्रा? और आने से पहले तुमने मुझे बताया तक नहीं, एक पल में गैर कर दिया, इस काबिल समझा ही नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितना परेशान था? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें बताती भी क्या। हाँ, वो रिश्ते, वो घर वाले जिन्हें मैं आज तक अपना समझती आई थी, वो मेरे कभी थे ही नहीं। जिन पे इतनी बेवकूफी से गुरूर करती आई मैं आज तक, मैं वो इफ्रा कभी थी नहीं जिसे तुम और बाकी सब पहचानते थे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आज भी मेरे लिए वही इफ्रा हो जिसे मैंने दिल से जाना, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो सिर्फ मेरी है। बाकी किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे वालिद से बात करने आया हूँ, जाके बुलाऊंगी। तुम उनसे नहीं मिल सकते साहिर, मैं बार बार तुम्हें कह रही हूँ, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम हटो बीच में से। कौन है दरवाजे पर इफ्रा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन है दरवाजे पर? कौन है भाई? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कौन हो तुम, क्यों आए हो? मेरा नाम साहिर है और मैं इफ्रा का मंगेतर हूँ, मुझे आपसे मिलना है। अंकल, मेरा मिलना आपसे बहुत जरूरी था और मेरी बात आपको सुननी होगी। अंदर आओ। आओ। मैं पहले ही कहती थी इस इफ्रा का यहाँ आना कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब इसके पीछे जो ना आए वो कम है। शबाना, जा जाके देख उसके पीछे कहीं उसकी माँ तो नहीं आई है। नीली ने बताया तो है कि एक लड़का आया है सिर्फ। अब्बा उसे और इफ्रा बाजी को ड्राइंग रूम में लेके गए हैं। मैंने भी बस कमरे में ही जाते देखा था, अब बात क्या हुई ये तो पता करनी पड़ेगी। पहले कम मसाइल है, अब आगे पता नहीं और क्या देखना बाकी है। खुदा करे ये जो भी आया ना, तुम्हारे अब्बा इसके साथ ही उस इफ्रा को चलता करे। क्यों जाए वो यहाँ से, ये उनका भी घर है, इफ्रा बाजियां हमेशा भी रह सकती हैं। अच्छा चुप, बड़ी आई सगी इफ्रा बाजी की। किसी वक्त भी सुकून नहीं है इस घर में। अब नया क्या हुआ है पता नहीं, चलो